तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जोहार। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के इंजन के सीज होने के बारे में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि गाड़ी का इंजन सीज होना क्या है, इसके टॉपिक के बारे में आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों से आप कहते हुए सुने होंगे कि गाड़ी का इंजन मेरा सीज हो गया। तो ये होता क्या है? तो इसका अर्थ है गाड़ी के इंजन का मूवमेंट बंद हो जाना, एक जगह पे लॉक हो जाना इंजन, ठीक है? तो इसे ही हम लोग कहते हैं सीज हो जाना। तो दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि गाड़ी ओवरहीटिंग होती है। तो गाड़ी ओवरहीटिंग होने का बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपके गाड़ी का रेडिवाटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा। दूसरा है, रेडिवाटर के पंप में कचरा आ गया होगा। तीसरा है दोस्तों, गाड़ी का कूलेंट लेवल बहुत ही कम होगा या तो ना के बराबर होगा। चौथा दोस्तों, आपके इंजन में ऑयल की कमी होगी और या तो फिर ऑयल ना के बराबर होगा, तो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, जब आपकी गाड़ी ओवरहीटिंग हो जाएगी तो आपके गाड़ी में एक सिग्नल लगा हुआ होता है जो कि हमें बताता है कि आपकी गाड़ी ओवरहीटिंग हो गई है। तो इस लाइट को दोस्तों आपको इग्नोर नहीं करना है। आप अगर लॉन्ग टूर पे कहीं जा रहे हैं तो आपको गाड़ी एक जगह पे रोक देनी है और आपको चेक करना है कि शायद ऑयल में कमी है या तो फिर कूलेंट कम है। अन्यथा दोस्तों, अगर आप उसे इग्नोर कर दोगे और गाड़ी को चला दोगे तो गाड़ी ज़्यादा हीट हो जाएगी और पिस्टन और हेड आपस में जाम हो जाएंगे, गाड़ी का इंजन लॉक हो जाएगा और गाड़ी सीज हो जाएगी दोस्त। दूसरा रीजन है दोस्तों, आपके गाड़ी में टाइमिंग चैन का टूट जाना या टाइमिंग बेल्ट का टूट जाना। तो दोस्तों, टाइमिंग चैन का काम यह है कि वो गाड़ी के इंजन में वॉल्व को ओपन करती है और क्लोज करती है एक निश्चित समय पे। टाइमिंग चैन के कारण ही दोस्तों, जब हमारी पिस्टन ऊपर की ओर मूव करती है तो वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और जब पिस्टन नीचे की ओर मूव करती है तो वॉल्व ओपन हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन पे अगर आपकी गाड़ी की टाइमिंग चैन टूटती है तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि हो सकता है आपके गाड़ी का जो वॉल्व है वो ओपन कंडीशन पे है और आपका पिस्टन ऊपर की ओर जाने वाला है और जाके वो वॉल्व से टकरा जाए, जिसके कारण आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो दोस्तों, तीसरा कारण है हाइड्रोस्टेटिक लॉक। तो हाइड्रोस्टेटिक लॉक क्या है? तो दोस्तों, जब हमारे गाड़ी के इंजन में पानी चला जाता है तो ऐसे कंडीशन पे हमारे गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हमारे गाड़ी में के इंजन में पानी चला जाता है तो कंप्रेस नहीं हो पाता है। गैस तो कंप्रेस हो जाता है लेकिन यह कंप्रेस नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो इंजन को डैमेज कर देता है दोस्तों। तो यह होता क्यों है दोस्तों? जब हम गाड़ी को भरे हुए पानी पे ले जाते हैं, जिसके कारण हमारे इंजन में पानी चला जाता है, तो इसके कारण भी हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो दोस्तों, एक और कारण यह हो सकता है कि आपके इंजन में किसी पार्ट का टूट जाना। चूंकि दोस्तों, जब हमारे इंजन स्टार्ट होती है तो इंजन में बहुत से पार्ट वो एक साथ वर्क करते हैं, अगर कोई पार्ट टूट जाती है तो यह भी कारण हो सकता है जिससे आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बाद हम गाड़ी सीज होने से बचाव के नियम जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्या क्या फॉलो करें रूल, जिसके कारण आपके गाड़ी में सीज होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ऑयल लेवल चेक करना है अपनी कार के इंजन का, और उसके बाद आपको हाथ में लेना है और देखना है कि कहीं ऑयल काला तो नहीं हो गया या पानी जैसा नहीं हो गया। अगर ऑयल अच्छा रहेगा तो उसका कलर भी अच्छा रहेगा और ऑयल का चिपचिपापन आपको महसूस होने लगेगा दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद हमें कूलेंट का लेवल चेक करना है कि कहीं कूलेंट कम तो नहीं है। अगर कूलेंट हल्का फुल्का कम है तो उसमें आप पानी दे के उसे मैनेज कर सकते हो, और अगर ज़्यादा कम है कूलेंट का लेवल तो आप उसे चेंज करा ही दो, उसी में आपका फायदा होगा। और कूलेंट का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 500 तक में अच्छा कूलेंट आपको मिल जाएगा। भाइयों, आप कोशिश करें कि आप 2 से 3 साल के बीच में एक बार रेडिवाटर को
पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन करा दें। भाइयों आपको और एक काम करना है, आपको समय समय पर इंजन का साउंड सुनते रहना है, और अगर इंजन के साउंड में कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है तो आप तुरंत मैकेनिक से मिलें और उन्हें बताएं कि इंजन के साउंड में कुछ हल्की हल्की प्रॉब्लम आ रही है। भाइयों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि इसी तरह से व्हीकल्स रिलेटेड और अन्य कैटेगरी के वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलते रहें। तो दोस्तों आप लाइक कर देना ये वीडियो को और कमेंट करके बताना कि हमारा ये वीडियो कैसा लगे, ताकि हम मोटिवेट हो सके। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोगों को जय माता दी, वंदे मातरम। और यार हमारे ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।